शिष्या से दुष्कर्म मामले में 3 दिन से गायब चल रहे दाती महाराज कल अचानक दिल्ली पुलिस के चाणक्यपुरी स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए। उनके साथ उनके वकील पीसी पांडे और 2 अन्य लोग भी थे। दाती से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई और करीब 100 सवाल पूछे गए। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। दाती महाराज दोपहर करीब 3 बजे क्राइम ब्रांच पहुंचे थे। रात 10 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। दाती ने पूछताछ में कहा कि खुद को दुष्कर्म पीड़िता बता रही युवती उनकी बेटी के समान है। उन्हें बदनाम करने और फंसाने के इरादे से आरोप लगाए गए हैं। पुलिस दाती महाराज के कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं है। मुझे न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस जांच के लिए जब भी बुलाएगी, मैं हाजिर था, मैं हाजिर हूं और हाजिर रहूंगा। मेरे लिए राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि रहा है और राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना है। और भारतीय संविधान की इज्जत करता हूं, भारतीय संविधान का पुजारी हूं। मैं संविधान से कभी नहीं भागूंगा और मैं भगोड़ा नहीं, सेवक हूं, इस राष्ट्र का दास हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जांच में पूर्ण सहयोग करूंगा, सहयोग करा भी हूं और आगे भी करता रहूंगा। बस मेरा निवेदन इतना ही है कि नारी प्रकृति का आधार है, सृष्टि का सृजन का आधार है। नारी पर परिचर्चा नहीं हो, पुलिस को जांच करने दीजिए और जांच में मैं पुलिस के साथ हर संभव प्रयास करूंगा अपना सहयोग देने का।